रिवर है, इट ट्राइड टू कम थ्रू दिस एरिया ऑल्सो। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो अब हम आए हैं अथाबास्का फॉल्स। फॉल्स गाड़ी आती है भी फॉल हो जाते हैं तो जो कि है अगेन जैस्पर नेशनल पार्क में, एंड यह जानी मानी फॉल्स है, वो कहते हैं बहुत सुंदर है। और ये रेवन हमारे पीछे पीछे आता हुआ क्रो पता नहीं कहाँ से चल रहा है, इनको लगता है हम खाना देंगे पर इतना बड़ा साइज है इसका, हमने खुद नहीं कुछ खाया, उसको क्या खिलाएंगे। यहाँ पे पूरे पूरे रास्ते में देयर वाज नो टिम हॉर्टन्स, नो मैकडॉनल्ड्स, नथिंग। एंड दैट्स वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड व्हेन यू आर ट्रैवलिंग टू नेशनल पार्क्स, कि नेशनल पार्क्स में वो कुछ नहीं मिलेगा, ना टिमीज होगा ना मैकडॉनल्ड्स होगा। ऑल दो यहाँ पे कहते हैं कि हर 2 किलोमीटर में टिम हॉर्टन्स होता है, पर नेशनल पार्क्स में नहीं होता है। एंड क्योंकि ऑलमोस्ट विंटर सीजन शुरू हो चुका है, तो मोस्टली जितने भी यहाँ के खुद के रिजॉर्ट्स वगैरह हैं या साइट पे लोगों ने अपने जो बनाए हुए हैं कैफेज, वो भी बंद थे। तो लकीली हमारे पास कुछ कुकीज़ या चिप्स है, तो हमने वो खा के पेट भरा है। पर अगर आप आ रहे हो तो प्लीज़ कैरी सम स्टफ, अदरवाइज भूखे रहना पड़ेगा। ये भी देखो, ये रोड से बहुत ही पास फॉल्स हैं, 200 मीटर दूर है, तो विच इज़ एक्चुअली नाइस, क्योंकि ज़्यादा ठंड में चलने में प्रॉब्लम होती है। बेटर देन सन बॉक्टा, वो 0.1 किलोमीटर थी फिर भी। हाँ, ये 200 मीटर हो गया तो 0.2 होगी। क्या है अंकू? सो बेसिकली जो फॉल्स है उसमें 14 टाइप की फिशेस फाइंड होती हैं, और जब ये ग्लेशियर आइस मेल्ट होनी शुरू हुई तो ऑब्वियसली स्प्रेड होने लग गई पूरे प्लांट्स और ये एनिमल्स। तो उनको नहीं पता कि नीचे से एक मच्छी ऊपर कैसे चली गई, क्योंकि बाकी सब तो नीचे हैं और मच्छी ऊपर कैसे जाएगी, लाइक इट्स अ मिस्ट्री, राइट? हाउ कैन, इतनी बड़ी फॉल्स है यार, कैसे गई होगी? तो कुछ लोग कहते हैं कि वो ह्यूमन ने किया, बट ह्यूमन भी क्यों करेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि बेसिकली पानी जो नीचे है वहाँ पे तो मच्छियाँ आती हैं, हाँ, होती हैं, हाँ। तो यहाँ ऊपर एक फिश, अ टाइप ऑफ फिश ऊपर कैसे पाई गई? यस, करेक्ट। अगर यहाँ से होता है तो मैंने सुना है कि अपवर्ड कई बार उछल उछल के चल जाती है मच्छी, जो हमने ओंटारियो में देखा भी है कहीं पे एक जगह, बट इतनी जगह पे तो मुश्किल है। तो मे बी किसी ह्यूमन बींग ने किया हो, लाइक यहाँ से मच्छी पकड़ कर ऊपर डाल दिया ताकि ऊपर भी ग्रोथ होती रहे। पॉसिबिलिटी एज अ फूड सोर्स, मे बी फूड सोर्स के साथ में वो अपना वो फिशिंग के लिए भी करते ना लोग जान जान के। या ट्रैप एंड स्पिनिंग अंडर वाटर्स डायरेक्शन पार्टिकल्स ऑफ सैंड सिल्ट एंड ग्रेवी ट्रैप लाइक अ डायमंड ड्रिल। The river took thousands of years to drill the potholes, now suspended on the canyon walls.
पहले पानी आने का ढंग ये था. That was the way for the water to come. So this is like a tunnel जो बीच में बनी हुई है. Mm-hmm. So बहुत time से like जो river है it tried to come through this area also. और obviously rocks और पानी लड़ाई हुई और उसमें rocks जीत गई. तो यहाँ से पानी नहीं बहता है. ये rocks है और ये उन्होंने खोल के रखा हुआ है tourist के लिए ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके कि क्या स्ट्रगल हुई होगी उस टाइम के. दे कैन गो बैक इन टाइम. तो बेसिकली पहले इस जगह से पानी निकलता था एंड देन आफ्टर काफी सालों के बाद पानी ने यहाँ से आना बंद कर दिया. तो ये जो पैसेज है अभी ये खुला हुआ है और ये जितनी भी ऐसी डिजाइन दिख रहा है ये पानी के कारण बना हुआ है, क्योंकि पानी ने प्रेशर से जब आना है तो रॉक्स भी टूट जाएंगी तब एंड ऐसा डिज़ाइन बन जाएगा. सो बेसिकली वॉकवे तो बाद में बनाया उन्होंने, पहले इट वॉज जस्ट यहाँ पे पानी पानी सारा. पे आके फाइनली फॉल्स टर्न्स इनटू रिवर अगेन एंड बिकम्स इट्स कामर सेल्फ एंड गिव्स अ नाइस टर्कोइज कलर. यस, व्हिच इज वेरी सूदिंग टू आईज एज ऑलवेज. हमें ये कलर लेक लुइस में भी नहीं देखने को मिला जो कि यहाँ देखने को मिल रहा है. हाँ, एंड यस इट इज ब्यूटीफुल. कोई रीजन नहीं है टर्कोइज कलर होने का, बट है तो सुंदर लग रहा है. कुछ और भी हो सकता था. क्या कहती है? कुछ हो सकता था. कोई कह सकता है कि हाँ पहाड़ों में कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से कलर ऐसा होता है. कोई कहता है कि पेड़ है आसपास इतने, दैट्स द रीजन. पर वो कलर इज नॉट पेड़ों वाला कलर फॉर श्योर. कि जो इसको ये नहीं पता आसमान नीला होता है, उसकी रिफ्लेक्शन होती है. पर नहीं आसमान की वजह से नहीं है, हो भी सकता है क्योंकि पानी इतना क्लियर है. बहुत नैरो रास्ता है ना. कोई 6 फुट से ऊंचा हो तो लग जाए. आई थिंक नेचुरल ब्यूटी ही है मेनली. एक पहले पाथ बनाना कि वाटरफॉल वहाँ से आती थी, अब यहाँ से आती है. वाटरफॉल जहाँ से आती है वहाँ तो अब पता नहीं, पहले जहाँ से आती थी उसका ही डिज़ाइन देख के इट लुक्स जो बना नेचुरली, इट्स सो ब्यूटिफुल. एंड कितनी शांति है यार. और बेसिकली हम उस टाइम पर आए हैं जब भी लाइक जब ये ज़्यादा बिजी नहीं है, वरना ये हॉटस्पॉट्स लाइक समर हॉटस्पॉट्स में से एक जगह है जहाँ पे लोग बहुत आते हैं घूमने. तो आई थिंक हमारे को बेनिफिट हो गया. यप. प्रियंको, हाउ वाज़ द फॉल्स? वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, सुंदर, अति सुंदर. हाँ, 200 मीटर बोलने के बाद जो उन्होंने आधा घंटा चलाया एंड तक पहुंचने का, वाह बोला नहीं जा रहा. अब ठंड लग गई. मतलब अगर आपको सिर्फ फॉल्स देखनी है तो 200 मीटर गुड इनाफ. हाँ, पर अगर आपको पूरा एक्सप्लोर करना है जर्नी ऑफ द फॉल्स, यप, तो यू नीड एंड इट इज वर्थ वाइल यार. यस, अगर हम कर सकते हैं तुम भी कर ही लोगे ना. और क्या. तो अब हम चलते हैं अगले स्पॉट पे एंड आपको मिलते हैं
अगली वीडियो में। यस।